जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो लोग रिप लिखते हैं। आपने भी शायद कभी ना कभी ऐसा लिखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि शब्द कहाँ से आया? अगर नहीं पता है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। कई शब्दों का तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं, कई बार तो हमें उनका फुल फॉर्म तक पता नहीं होता, लेकिन बाकी लोग इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम भी उनको बोलते हैं, लिखते देखकर सीख जाते हैं। यानी कि हमें इतना तो पता होता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, लेकिन इनका पूरा अर्थ नहीं पता होता। जब कभी किसी इंसान की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बारे में जब सोशल मीडिया पर कई बातें शेयर की जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में सभी यूजर्स रिप लिखते हैं। आपने भी शायद कभी ना कभी ऐसा लिखा होगा। बहुत लोगों को आपने रिप का मतलब रिटर्न इफ पॉसिबल कहते सुना होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। रिप का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस। यह लैटिन शब्द रेक्वायर्स कैट इन पेस से बनाया है। रिप शब्द को बोलने या लिखने का तात्पर्य मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति पहुंचाना होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करें। कभी कभार डेड बॉडीज के दफनाने के समय उसकी समाधि के ऊपर रिप लिख देते हैं। आगे से जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी होगी।